हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूनिवर्स ऑफ रेडियोलॉजी में। आज का टॉपिक थोड़ा हटके होने वाला है। आज के पेपर में मैं आपको एनसीएल के पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। इस पेपर में मैं आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको नीड होगी तो आप कमेंट करना, मैं आपको और पेपर सॉल्व कराऊंगा इससे आगे। पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज एक्सरे यूज इन फ्रॉग पोजिशन? ऑप्शन ए बोला पेल्विस, ऑप्शन बी हिप जॉइंट, ऑप्शन सी नी जॉइंट, ऑप्शन डी एल्बो जॉइंट। तो जो हमारा फ्रॉग पोजीशन होते हैं वो हमें पेल्विस में दिखते हैं। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। अब आप बी क्वेश्चन दे सकते हैं। बी क्वेश्चन में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन रिड्यूसिंग रेडिएशन एक्सपोजर टू पेशेंट? ए बोल रहा हाई के बी लो एम एस, सेकेंड बोल रहा कॉलिमेशन, थर्ड बोल रहा फिल्ट्रेशन। फिर इसने ऑप्शन ए में दे रखा है ए एंड टू ओनली, ऑप्शन बी में बोल रहा है टू एंड थ्री ओनली, ऑप्शन सी में बोल रहा है ए एंड थ्री ओनली, और डी में बोल रहा है ए वन टू एंड थ्री ओनली। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी टाइप से आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आपका, द यूनिट ऑफ डोज इक्विपमेंट यूज टू एक्सप्रेस रेडिएशन डोज इन लिविंग टिश्यू? ऑप्शन ए है रॉडजन, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है रेड, ऑप्शन डी है अर्ग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रैम, ऑप्शन नंबर बी। इसी टाइप से आपका चौथा क्वेश्चन है, टीएलडी बेड शुड बी वॉर्न एट? ए बोल रहा है आउटसाइड द लेड एप्रन स्टमक पोजीशन, बी बोल रहा है इनसाइड द लेड एप्रन स्टमक पोजीशन, सी बोल रहा है द बैक ऑफ द बैक साइड एट द शोल्डर पोजीशन, डी बोल रहा है आउटसाइड द लेड एप्रन कॉलर पोजीशन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, चौथे का आप देख सकते हैं बी इनसाइड द लेड एप्रन स्टमक पोजीशन। अब पांचवा क्वेश्चन हमारा, पांचवा क्वेश्चन बोला द कॉमन बाइल डक्ट ओपन्स इनटू द, ऑप्शन ए मीडियल वॉल ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, बी बोल रहा है मीडियल वॉल ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, थर्ड बोल रहा है लेटरल वॉल ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, और डी बोल रहा है मीडियल वॉल ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, मीडियल वॉल ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। इसी टाइप से आपका छठा क्वेश्चन है, द स्टमक इज लोकेटेड प्राइमरली विद द, ए बोला राइट लोअर क्वाड्रेंट, बी बोला राइट अपर क्वाड्रेंट, सी बोला लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, और डी बोला लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है, सी ऑप्शन नंबर सी। अब सातवां क्वेश्चन हमारा, नॉर्मली ए पेशेंट इज आस्क्ड टू इनहेल डीपली व्हेन हाइंग द लंग्स एक्सरे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रीजन फॉर दैट? ए बोल रहा है मोर यूनिफॉर्म डेंसिटी, बी बोल रहा है इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट, सी बोल रहा है ग्रेटर मैग्निफिकेशन, डी बोल रहा है ग्रेटर एरिया ऑफ द लंग्स स्ट्रक्चर। सो तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ग्रेटर एरिया ऑफ लंग्स स्ट्रक्चर। सो आठवां क्वेश्चन है हमारा, आठवां क्वेश्चन बोल रहा है कंप्रेशन इज यूज ड्यूरिंग एक्साइटरी यूरोग्राफी इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग? ए बोल रहा है आइंडिंग इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, बी बोल रहा है इमोबिलाइजेशन ऑफ द पेशेंट, सी बोल रहा है प्रिवेंटिंग द पेशेंट फ्रॉम ब्रीथिंग ड्यूरिंग द एक्सपोजर, डी बोल रहा है रिटेनिंग द कॉन्ट्रास्ट मीडियम इन द कलेक्टिंग सिस्टम। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप से आपका नाइन्थ क्वेश्चन, आप नाइन्थ क्वेश्चन देखिए। नाइन्थ क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियोग्राफिक स्टडी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर दैट इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ द कंट्रास्ट मीडिया थ्रू अ कैथेटर? ए बोला इंट्रावेनस पाइलोग्राम, बी बोला इंट्रावेनस यूरोग्राम, सी बोला रेट्रोग्रेड पाइलोग्राम, डी बोला सिस्टोग्राम। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सिस्टोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है द फ्रीक्वेंसीज ऑफ अल्ट्रासाउंड यूज इन मेडिकल इमेजिंग एंड मेडिकल इमेजिंग आर इन द रेंज ऑफ, ऑप्शन नंबर ए है 1 to 20 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी है 1 to 20 मेगा हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी है 1 to 20 मेगा हर्ज, ऑप्शन नंबर डी है 10 to 20 किलो हर्ज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1 to 20 मेगा हर्ज।
तो दोस्तों मैं अभी इस पेपर में आपको 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आपको नीड है इस टाइप के एमसीक्यू की तो आप मेरे को कमेंट करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं आपको पीडीएफ भी दे दूँगा, बशर्ते ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।